एक बार कबीर जी ने साहूकार से 100 रुपये उधार लिए और साधु संतों पर खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ ही महीनों में सूद समेत वापस कर देंगे। महीने निकल गए, वह साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवा कर कुर्की ले ली। कबीर जी के एक प्रेमी ने आकर बताया तो वह बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ पर रख दो, जिसे साहूकार उनको कुर्क न करा सके, और मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपए होंगे तो साहूकार को देकर उससे देरी के लिए क्षमा मांग लूंगा। लोई जी ने कहा, स्वामी मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भक्त की कभी कुर्की नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। कबीर जी ने अपनी पत्नी का निश्चय देखा, फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं बिताने चाहिए। लोई जी, स्वामी जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे। लोई जी ने निश्चय के साथ कहा। कबीर जी ने मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार न चढ़ाओ। कबीर जी, लोई जी इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है, जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गई। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे प्यादे लेकर कुर्की करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की लेकर नहीं आएगा और कुर्की नहीं होगी। परमात्मा जी उसे हमारे घर पर आने ही नहीं देंगे। कबीर जी, लोई तुमने मेरे राम से कुछ ज्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोई जी, स्वामी जी जब हम उसके बन गए तो हमारे सारे काम वही तो करेंगे, और कौन करेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। खटखट खटखट। लोई जी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा हुआ था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। लोई जी ने मुंशी से पूछा, क्यों राम जी के भक्त हमारी कुर्की करने आए हो। मुंशी नम्रता से कहा, जी नहीं माता जी, आपकी कुर्की करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुर्की लेने गए तो वहां पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। साहूकार ने कहा, 100 रुपए और सूद के 30 रुपए। इस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हवाले कर दी और कहने लगा, इसमें 500 रुपए हैं, कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हैं। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पहुंचा दो। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु वह पता नहीं कहां एकदम से चले गए, जैसे छूमंतर हो गए हों। यह कौतुक देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि कबीर जी कोई इलाही बंदे हैं और वह उनकी कुर्की करके गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। साहूकार जी ने यह थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपए हैं। साहूकार जी ने कहा कि कबीर जी उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दें और उनका यह पाप बख्श दें। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी राम जी की भेजी हुई यह माया की थैली अंदर उठाकर रखो। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी, नहीं स्वामी जी, राम जी हमारे दोनों के साझे हैं, इसलिए आओ मिलकर उठाएं। दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ,
जिसमें वो सारी रकम खर्च कर दी गई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद दोस्तों।